नमस्कार, मैं हूं देवांशु। आप देख रहे हैं न्यूज़ फॉर नेशन। दिवाली को लेकर बाजार गुलजार है। इस वक्त पटना हाईकोर्ट के अपोजिट साइड पे मैं मौजूद हूं, जहां पर देख सकते हैं कि लोग हैं लगातार दिवाली की खरीदारी करने के लिए लगातार आ रहे हैं। आप तस्वीरें देखिए। आपको बता दें कि पटना के हाईकोर्ट के अपोजिट साइड दिवाली संबंधित सभी चीज़ों का डेकोरेशन हो, चाहे वो पूजा सामग्री हो, तमाम जो चीज़ें हैं वहाँ पर मिलती है। और सबसे बड़ी बात है कि यहाँ पर किफ़ायती रेट्स में मिलती है। यही वजह है कि पूरा पटना यहाँ पर दिवाली की शॉपिंग करने के लिए आता है। और इस वक्त शाम का नज़ारा है, जो लोग हैं वहाँ पे लगातार खरीदारी करने के लिए। आप यहाँ पे क्या क्या खरीदारी करने के लिए आई हैं? फिलहाल तो शॉपिंग करने आए हैं। ये सब क्या क्या खरीदा आपने? फिलहाल दिए वगैरह खरीदी हूँ मैं। चलिए, आप तस्वीरें देखिए कि यहाँ पे लक्ष्मी और गणेश जी की मूर्ति है और ये दिया है। कैसी बिक्री हो रही है आप लोगों की? अच्छी हो रही है। अच्छी हो रही है। प्रशासन ने काफी आप लोगों को बंदिशें लगाई थी। हाँ, बहुत परेशान हुआ। सब सही हो गया। हाँ, चलिए। उतना भी नहीं, हाँ। लॉस तो हुआ कुछ। अच्छा, ये दिया कितने का है? दिया ₹5 का ये दिया है। आप तस्वीरों में देखिए। और ये बड़ा वाला दिया ₹20। और गणेश जी की मूर्ति की रेट क्या है? कम से कम कितने में है? कम ₹40 तक का। मैक्सिमम वही ₹300-400 का। और ये स्टिकर जिसमें लक्ष्मी जी हैं और शुभ दिवाली, ₹10-20। मतलब कि आपको बता दें कि पटना का ये बाजार है हाईकोर्ट के अपोजिट साइड, जहाँ पे बेहद कम कीमत में जो दिवाली डेकोरेशन के सामान है वो मिलते हैं। यही वजह है कि महिलाएं हो या बच्चे हो या पुरुष हो, यहाँ पर ज़रूर आते हैं और खरीदारी करने के लिए। हमारे साथ कुछ महिलाएँ भी हैं, उनसे बात करने की कोशिश करेंगे। आप यहाँ पर खरीदारी करने के लिए आई हैं? हाँ। क्या क्या खरीदा आपने अब तक? बहुत चीज़ ली है। लक्ष्मी गणेश जी का मूर्ति ली है। इस बार दिवाली कैसे मनाने जा रही हैं आप? अच्छा से मना रहे हैं। अच्छा से मना रही है। हम कुछ और बच्चे लोग, आप बताओ क्या क्या खरीदा है आपने अब तक? अभी तक तो मैंने गणेश जी का मूर्ति खरीदा, उसके बाद उनका माला खरीदा है। हाँ? साथ दिया खरीदे हैं। हाँ? और भी बहुत कुछ खरीदा है पूजा डेकोरेशन के लिए। और पटाखे? नहीं, पटाखे अभी तक तो नहीं खरीदे हैं। जागरूक हो इसलिए नहीं खरीद रहे, पॉल्यूशन की वजह से? पॉल्यूशन की वजह से भी नहीं खरीदे अभी तक, और अभी तक उतना मन भी नहीं कर रहा है खरीदने का। आप भी आए हैं, बहुत सारे ढेर सारे दिए लिए हुए हैं, बताइए। सर, दिए हैं ऐसी, यही है मेन लाइटनिंग का प्रोसेस। और क्रैकर्स तो बैंग हो रहे हैं, इसीलिए हम लोग क्रैकर्स इस बार नहीं कर रहे, इको फ्रेंडली दिवाली मना रहे हैं हम लोग। बहुत अच्छी पहल है ये, इको फ्रेंडली दिवाली मनाने। आप स्टिकर लिए हुए, क्या क्या खरीदारी किया आपने इस दिवाली को लेकर? दिया खरीदे हैं, बत्ती खरीदे, ढेर सारे फ्लावर्स खरीदे। इस बार कैसे मनाएंगी आप लोग दिवाली? इस बार खास स्पेशल वैसा कुछ नहीं है। हाँ। बस मौसम ही इतना खराब हो गया है इस बार की कुछ सोच ही नहीं सकते हैं। हाँ, चलिए, बहुत शुक्रिया। आप अगली तस्वीर देखिए। ये अबीर की दुकान है लगातार, ये ऊपर ये लाइट डेकोरेशन का ये सामान है। लगातार यहाँ पे लेटेस्ट चीज़ें मिलती हैं किफ़ायत, और सबसे बड़ी बात है कि जो तमाम जो चीज़ें होती हैं वो बेहद किफ़ायती होती है। हर चीज़ दिवाली संबंधित हर चीज़ आपको इस बाज़ार में मिलेगा। ये बाज़ार पटना के हाईकोर्ट के अपोजिट साइड पर है, जहाँ तक तस्वीरें देखिए। ये लाइटिंग है गणेश भगवान की, बेहद खूबसूरत लाइटिंग। कितने की है ये लाइटिंग? 800 फिक्स रेट है। चलिए, 850 की ये गणेश की मूर्ति है जो लाइटिंग पूरी की हुई है। तो आप तस्वीरें देखिए किस तरीके से लगातार जो लोग हैं वो खरीदारी करने आ रहे हैं। हमारे साथ कुछ युवा भी हैं लगातार। आप लोग भी यहाँ पर खरीदारी करने आए हो? जी जी। क्या क्या खरीदा आपने अब तक? बहुत सारा सामान है। कहाँ से आए हो? दानापुर से। दानापुर से आए हो यहाँ पर खरीदारी करने के लिए? क्यों यहाँ का मार्केट अच्छा, हर साल लगता है यहाँ पे मार्केट। अच्छा लगता है यहाँ का मार्केट? बहुत अच्छा मार्केट है। सबसे बड़ी बात है कि हर चीज दिवाली संबंधित हर चीज यहाँ पे मिल जाती है। और लेटेस्ट ये डेकोरेशन का सारा सामान मिल जाएगा, मूर्ति मूर्ति चाहिए मूर्ति मिल जाएगी आपको, मतलब ऑलमोस्ट सारा सामान आपको मिल जाएगा यहाँ। सारा सामान यहाँ पे मिल जाता है। चलिए, आप हम और आगे चलेंगे। अब आपको एक चीज देखें, ये देखिए ये बेल है जो कि दरवाजे के मुख्य ऊपर में लगाया जाता है। किस तरीके की सेलिंग हो रही है इस बार? ठीक है, हो रही है, ठीक है, हो रही है। अच्छा, ये बताइए ये कितने का है? 10 का है। बड़ा वाला 40 का है। चलिए, हम कुछ और बच्चों से, बच्चे लोग, आपने शॉपिंग किया? नहीं, अभी हम कर रहे हैं। कर रहे हो? हाँ। कहाँ से आए आप लोग? आशियाना से आए हो यहाँ पे शॉपिंग करने के लिए? यस। वजह बिकॉज यहाँ पे ज्यादा अच्छी चीजें मिल रही है, देयर आर वैरायटी, सो दैट्स व्हाई। इस बार आपकी दिवाली कैसे मनाओगे आप लोग? इट विल बी अ साइलेंट दिवाली, पोल्यूशन को ध्यान में रखते हुए, मतलब जस्ट
सिंपल सा दिवाली। बहुत अच्छी बात है कि आप यूथ हो और आपने एक अच्छी पहल की है, आप पटाखे नहीं फोड़ रहे हो। नहीं, चलिए ये बच्चे हैं जो पटाखे इस बार नहीं फोड़ने। हम आगे बढ़ते हैं और तस्वीरें दिखाते हैं। ये देखिए, ये जो प्लेट्स है इसके जरिए ही ये डिजाइन बनते हैं। चलिए हम आपको आगे भी लेके चलेंगे और दिखाएंगे, एक एक तस्वीर दिखाएंगे इस बाज़ार की। दरअसल आपको बता दें कि पटना का ये फेमस बाज़ार है जहाँ पर दिवाली संबंधित हर सामग्री, हर सामान, हर डेकोरेशन की तमाम चीज़, चाहे पूजा पाठ में इस्तेमाल की जाने वाली गणेश और लक्ष्मी भगवान की जो तस्वीरें संबंधित माला, हर चीज़ यहाँ पर मिलता है। यही वजह है कि पटना का ये फेमस मार्केट है। आप यहाँ खरीदारी करने आए हैं या दुकानदार हैं? खरीदारी करने आए हैं। यहाँ पे इस बार कैसे मनाओगे आप लोग दिवाली? जैसे हर साल मनाते हैं उसी तरह मनाएंगे ना इस बार भी। कहाँ से आए हैं आप? हम तो पटना से रहते हैं, छपरा से, लेकिन पटना में इस बार मना रहे हैं, इस बार पहली बार। चलिए हम और आगे बढ़ते हैं और आपको एक एक तस्वीर दिखाते हैं क्या कुछ खास है दिवाली के मार्केट में इस बार। आपको बता दें कि शाम का वक्त हो चुका है, लोग घरों से निकल कर खरीदारी कर रहे हैं और रात, आज छोटी दिवाली है। आप ये देखिए जो भीड़ है, पटना के हाईकोर्ट का ये बाज़ार है, फुटपाथ बाज़ार, लेकिन ये फुटपाथ बाज़ार है लेकिन दिवाली के समय में ये सबसे व्यस्तम बाज़ार में से एक हो जाता है। व्यस्तम इसलिए हो जाता है क्योंकि यहाँ पे आपको दिवाली संबंधित हर सामान बेहद किफ़ायती और लेटेस्ट जो सामान होता है दिवाली का वो भी यहाँ पे मिलता है। बाज़ार गुलजार है, लोग लगातार खरीदारी करने के लिए आ रहे हैं। हम आगे बढ़ते हैं और आपको बता दें कि ये बाज़ार काफ़ी लंबा है। ये इनकम टैक्स से करीब शुरू होकर हाईकोर्ट जहाँ पर ख़त्म होता है वहाँ तक ये बाज़ार जाता है और लोग लगातार खरीदारी कर रहे हैं। आप बताइए कितने का बेच रहे हैं? ये 10 रुपये का। 10 रुपये का बेच रहे हैं, कैसे बिक रही है इस बार? कम ही बिक रहा है अभी तो इतना। आप भी शॉपिंग करने के लिए आई हैं? जी जी। क्या क्या शॉपिंग किया आपने अब तक? दिया लिए और सजावटी फूल वगैरह यही सब जो भी है। आप यहाँ क्यों आती हैं? यहाँ बहुत अच्छे वैरायटीज मिलते हैं। हाँ। इस बार दिवाली आप लोग डिजाइनर दिया यहाँ का बहुत फेमस है। इस बार दिवाली कैसे मनाने जा रही हैं? इस बार रंगोली बना के, घरौंदा खरीद के सब दिवाली मनाने जा रहे हैं। चलिए हम और आगे आपको बढ़ते हैं और मार्केट की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। आप लोग यूथ हो, क्या क्या खरीदने आए हो? हाँ, हम लोग मूर्ति खरीदे हैं और कुछ डेकोरेशन का सामान खरीदे हैं। कहाँ से आए हो? हम लोग आ रहे हैं कंकड़बाग से। कंकड़बाग से यहाँ पे खरीदारी? हाँ, यहाँ पे कंकड़बाग में बहुत सारे बाजार हैं। हाँ है, लेकिन यहाँ पे ज्यादा वैरायटी मिल जाता है। यहाँ पे थोड़ा ज्यादा वैरायटी मिल जाता है। रेट भी सही रहता है? नहीं नहीं, रेट का रेट थोड़ा महंगा है, थोड़ा नहीं बहुत है। 5 साल से आ रहे हैं, 5-6 साल से। इस बार तो बहुत ज्यादा रेट है, प्लस और बार्गेनिंग भी नहीं हो रहा। हम लोग का भी मतलब 1500 के आसपास में हो गया, बैग भी नहीं भरा है। आप बताओ बच्चे क्या बोलोगे? आप शॉपिंग किया आपने? हाँ मैंने की। क्या क्या लिया? क्या क्या लिया? मैंने फूल लिया। पापा ने पटाखे दिलाए? चलिए ये बच्ची है बेहद शर्माते हुए बोल रही है। हम और आपको आगे लेके चलते हैं। ये देखिए तमाम जो चीज़ें हैं वो लाइटिंग की चीज़ें हैं, डेकोरेशन की चीज़ें हैं, साथ ही पूजा में इस्तेमाल करने वाली जो चीज़ें हैं। बाज़ार में दिवाली से संबंधित हर चीज़ें मिलती है। यही वजह है कि पूरे पटना के जो लोग हैं यहाँ पर आना नहीं भूलते हैं, यहाँ से खरीदारी करना नहीं भूलते हैं। हमारे साथ कुछ लोग, आपने शॉपिंग कर लिया? हाँ। क्या क्या खरीदा आपने? ये अभी तो काफ़ी कुछ किया है, बट अभी मेरे हाथ में फिलहाल यही है। इस बार दिवाली आप कैसे मनाने जा रही हैं? बस दिए जलाना है, अच्छे से खाना है, पीना है, मस्ती करना है, बस पटाखों से दूर रहना है। पटाखों से दूर? मैंने कई लोगों से बात किया है, सभी यूथ जो है वो कह रहे हैं कि पटाखों से दूर रहना, मतलब इतनी जागरूकता अब आ गई है यूथ में। हाँ श्योर, क्यों नहीं, बिल्कुल। अभी जैसा देख रहे हैं कि जो भी हमारा एनवायरमेंट किस तरह से है, कितना पॉल्यूशन बढ़ चुका है, तो उस अकॉर्डिंग तो हमें पटाखों से दूर ही रहना चाहिए अभी, और आगे के फ्यूचर जनरेशन को देखते हुए तो बिल्कुल दूर रहना चाहिए। ये पटना हाईकोर्ट का फेमस फुटपाथ बाजार है जो दिवाली पे यहाँ हर साल लगता है। इस बाजार में ऐसी क्या खासियत है जो आप हर बार आती हैं? एक्चुअली यहाँ का कलेक्शन बहुत ही उम्दा रहता है, यहाँ आप एक जगह सारी कुछ आपको मिल जाएगा, तो लोगों के लिए ये बहुत आसान होता है, बहुत ईज होता है कि आप एक जगह पे सारा कुछ शॉपिंग कर लेते हैं। आपको यहाँ हर चीज़ प्राइस को लेकर या क्वालिटी को लेकर कुछ भी चीज़ आप बहुत निश्चिंत होकर देख सकते हैं, हर चीज़ सही रहती है यहाँ पे, तो लोग इसलिए प्रेफर करते हैं कि यहाँ पे ही आए। ओके, हम आगे बढ़ते हैं और आपको एक एक तस्वीर दिखाते हैं। ये पटना के हाईकोर्ट के अपोजिट साइड का फुटपाथ दिवाली बाज़ार है जहाँ हर साल यहाँ पे बाज़ार लगता है और लोग यहाँ पे खरीदारी कर। हमारे साथ कुछ यूथ हैं, आपने खरीदारी कर लिया?
नहीं, अभी तो बस आई हूँ। इस बार कैसे मनाने जा रही हैं आप दिवाली अपनी? इको फ्रेंडली पटाखे नहीं फोड़ने वाली हैं? नहीं। अच्छा, क्या क्या सामान की खरीदारी करने आई हैं आप यहाँ पे? अभी तो मैं मूर्ति और सजाने का सामान खरीदने के लिए आई हूँ, डेकोरेशन के लिए। अच्छा, इस बाजार में ऐसा क्या खास है कि मैं देख रहा हूँ कि लगातार जो है कि लोगों की भीड़ रहती है? दिवाली का कलेक्शन बहुत अच्छा अच्छा रहता है यहाँ पे, जो भी ये लोग लाते हैं सजाने का सामान वगैरह जो भी हो गया बहुत अच्छे अच्छे लेते हैं, इसलिए यहाँ काफी भीड़ होता है। कल भी मैं आई थी यहाँ, कल भी मैं शॉपिंग करके गई हूँ। कल भी शॉपिंग किया और आज भी कर रही हूँ। और आज भी कर रही हूँ। इतना अच्छा है यहाँ का मार्केट। हाँ, क्या क्या खरीदा पहले आपने ये बताइए? दिए खरीदे हैं, सजाने के लिए गुब्बारे खरीदे हैं, मूर्ति अभी खरीदूंगी, बहुत सारे सामान है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। आप तस्वीरें देखिए कि किस तरीके से लोग लगातार, ये शाम का वक्त हो चुका है और लगातार लोग हैं मशगूल हैं खरीदारी करने में, और खरीदे भी क्यों ना, दिवाली का मौका बेहद खास होता है सबों के लिए। लोग देखिए, पूजा की सामग्री की दुकान है, ये लाइटिंग की दुकान है, ये डेकोरेशन की दुकान है, लगातार तमाम जो चीज़ें हैं दिवाली संबंधित हर चीज़ें आपको इस बाज़ार में मिल जाएगी। यही वजह है कि लोग जो हैं यहाँ पे आना नहीं बोलते। सबसे बड़ी बात है कि यहाँ पे जो किफ़ायती दर पर यहाँ पे सामान मिलते हैं। अब ये तस्वीरें देखिए कि ये दिवाली डेकोरेशन, होम डेकोरेशन के ये सामान है जो कि घर के दरवाजे के ऊपर लगाया जाता है, एक से बढ़कर एक, और लेटेस्ट चीज़ें आपको इस बाज़ार में मिल जाएगी। ये बाज़ार पटना के हाईकोर्ट के रोड पर स्थित है। हम दिवाली से जुड़ी हुई और भी वीडियो आपको दिखाने जा रहे हैं, फिलहाल आप देखते रहिए न्यूज़ फॉर नेशन।